इतना बारिश दे रहे, जैसे तैसे हम बस कर आ गया। अरे भाई बस गया, बारिश इतना जोर से दे रहा था, खाने का इंग्रेडिएंट था उसको भी छोड़कर आ गया। तुम कुछ खाया कि नहीं भाई? एक सुन ना, एक न्यूज बहुत टॉपिक चर्चा हो रहा है। जहां हम मार्केट में गया था वहां पे आदमी लोग बहुत बात कर रहे हैं, विराट और अनुष्का का सेकेंड बेबी का प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों का बच्चा लंदन में जन्म करेगा। इसमें क्या इतना कंट्रोवर्सी क्यों होना है? आदमी लोग इतना इसका बात पर मार्केट में भी कर रहे हैं, मतलब जिस आदमी लोग का सब गोल मिल होते हैं। हम लोग विराट कोहली को स्टार मानते हैं, इतना बढ़िया से वो खेल खेलते हैं, उसका गेम में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और अभी वो लोग बड़ा आदमी लोग ऐसे, मतलब उन लोग का न्यूज के तो ऐसे तो टॉपिक में हमेशा रहते हैं, लेकिन उन लोग का सेकेंड बेबी भी होना नहीं होना वो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई सुनो, बदमाश कंपनी में जो मूवी आया था ना, अनुष्का शर्मा को बहुत मोहम्मद। अरे तुम क्या बात करते हो, उसका बात बताओ ना, तुम्हें क्या आता है? अरे यार तुम बताए तो बताओ। क्या तुम क्या बात कर रहे हो? सेकंड बेबी बॉर्न का प्लानिंग, वो एक पूरा न्यूज बोल सकता है। 24 आवर्स में बहुत सारा न्यूज बदल गया है। विराट कोहली ने का जो करीबी दोस्त अभी एबी डिविलियर है, उसको फोन करके बताया भाई मेरा एक बच्चा हो गया, लेकिन उसी को एबी डिविलियर्स ने प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हुए उसको बोला कि सेकेंड बेबी बॉय प्लानिंग कर रहा है, मीन्स वहाँ बच्चा ऑलरेडी जन्म हो चुका है लंदन में। और न्यूज में ये भी चल रहा है कि और इंडिया का सबसे सेलिब्रेट प्लेयर, उसका बेटा अगर लंदन में जन्म कर रहा है, आगे में उसका बेटा अगर लंदन का सिटीजनशिप मिल जाएगा, तो व्हाट इज द कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स। मीन इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग का बच्चा अगर लंदन में बच्चा जन्म होने के बाद सिटीजनशिप वहाँ का मिलेगा, सो हम लोग जिस प्लेयर को और जिस आदमी को हम सेलिब्रेट कर दें कि आगे में हम लोग का कंट्री के लिए नाम और इज्जत कमाएगा, और उन लोग का लीगेसी भी अगर दूसरा कंट्री में, मतलब जो अमीर देश के लिए काम करेगी, हम लोग का स्टार्ट को क्या सेलिब्रेट करेगा, वो अलग इशू है। लेकिन तुम्हारा जो मुद्दा है, तो जो तुम जो बात कर रहे हो कि सेकेंड बेबी बॉय, वो एबीडीविलियर्स ने बाद में उसको माफी भी मांगा। माफी मांगने के बाद उसका बाद फिर अभी सोशल मीडिया में, इंस्टा में, ट्विटर में एबीडीविलियर्स का न्यूज का ही कंफर्म बताया कि विराट कोहली ने एक ट्वीट रख दिया और एक इंस्टा पोस्ट कर दिया कि उसका बेटा का नाम अक्षय रहेगा। वो उसका पहले वाला का जो बेटी था उसका भूमिका नाम नहीं, विराट एंड अनुष्का का नाम मिलाकर भूमिका नाम रखा था। थोड़ा इन्फॉर्मेशन ठीक से कलेक्ट करो, ऐसे हावड़े में कुछ भी मत बोलो। और दूसरा बात होता है कि ये ऐसे सिटीजनशिप नहीं मिलता है, मतलब दो और कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि कोई भी आदमी उस कंट्री में अगर जन्म होते, मतलब सपोज विराट और अनुष्का का बेटा अभी लंदन में जन्म हो रहा है, मतलब उसका सिटीजनशिप वहां डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो विराट कोहली और अनुष्का भी क्या है, वो इंडिया का सिटीजन है। ब्रिटिश का अगर सिटीजनशिप नहीं मिलते, मीन्स अगर ब्रिटिश का वहां लंदन का वो सिटीजनशिप नहीं है, मीन्स उसका बेटा कभी भी वहां सिटीजनशिप मिल नहीं सकता। समझ में आ रहे बात? अगर उसका विराट और अनुष्का का बेटा 10 साल वहीं पे रहेगा एंड विद इन दैट इयर्स 90 डेज तक अगर इस कंट्री में, मतलब लंदन में नहीं बैठेगा, वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। समझ पा रहा है? से कुछ भी। और दूसरा बात होता है कि उन लोग का बात क्या हो रहा है कि अरे वो मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, उसका बेटा का नाम अक्षय रखा है, वो भी मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मेरा बात है जो न्यूज डिबेट पे आ रहा था कि अगर उन लोग का बेटा बेटी जन्म होने के बाद वहां लंदन में सिटीजनशिप हो सकता है, कि वो वाला चीजें मामला नहीं है। समझ में आएगा ना बातें? सो जो भी हो कि एज ए सेलिब्रेट स्टार वी रियली रेस्पेक्ट हिज टैलेंट, और जिस तरीके से वो खेल खेलते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, वो रेस्पेक्ट हम भी करते हैं। उसका जो इंस्टा पोस्ट में भी रखा है कि उन लोग का बेटा अभी हुआ है, उसका ऊपर ज्यादा न्यूज बनाने के चक्कर में उन लोग का प्राइवेसी लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए बोल रहे हैं। सो वी डोंट नीड टू बी बॉदर से बहुत, उन लोग का लाइफ है, अपना अपना जिंदगी, सबका जिंदगी में सबका प्राइवेसी है। तो बातें समझ में आ गया ना? ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये न्यूज का हर जगह पर वही सब चल रहा है। अभी मोबाइल पे खोली ने विराट अनुष्का का न्यूज के ऊपर सब जगह, तो वही था न्यूज। समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, सो अभी हम सोच रहे हैं कि मेरा यूट्यूब का जर्नी को थोड़ा अलग तरीके से, और देश दुनिया में जिस तरीके से टॉपिक हमेशा न्यूज हेडलाइन में आते हैं, उसको आपका साथ साझा करूंगा और आपका साथ बताऊंगा कि तो आप भी अपडेट रहे, और उसका साथ अगर बाई मिस्टेक हम न्यूज देख नहीं पा रहे, और न्यूज को भी मेरा चैनल के थ्रू आपको भी इन्फॉर्मेशन करूं, आपको न्यूज बताने की कोशिश करूंगा, ताकि
ताकि आप भी अपडेट रहे, हम भी अपडेट रहे, उसका साथ साथ हम लोग अलग एंटरटेनमेंट जो भी चीज होता है उसको आपके साथ बता रहे। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। हाउ डू यू फाइंड द वीडियो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। एंड अभी मेरा चैनल 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्स टाइम भी कंप्लीट होने वाला है कि यूट्यूब इतना दिन से कर रहा हूँ उसका साथ साथ यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, तो हमको भी एक ख्वाहिश रखते है कि यूट्यूब से पैसा मिलने का एक उम्मीद रखता हूँ, कि ताकि हम भी दूसरे को बता सके कैसे करने से व्हाट्स टाइम कंप्लीट होता है उसका साथ साथ पैसा कैसे आता है, आपको भी बता सकूंगा। सो इसीलिए इफ यू फील दैट आई कैन ऑल्सो बिकेम द मेंबर्स ऑफ द मोनिटाइजेशन ऑफ द यूट्यूब चैनल, सो आप उस चैनल को, मेरा चैनल को देख लीजिए और जितना हो सके मेरा वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाए। और वॉच टाइम कंप्लीट होने के लिए अभी मेरा 400 वॉच टाइम चाहिए, उसको भी कंप्लीट करने में आप साथ दीजिए। सो उसी का साथ साथ आज का वीडियो में खत्म कर दो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come?